Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी. आज मैं बात करूंगा, आज मैं इनफैक्ट एक्सपोज्ड करूंगा रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर वेबसाइट पे. तो इसके पहले अगर आपने वीडियोस देखेंगे तो मैंने वो वीडियोस पे समझाया था कि बग बाउंटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग क्या होती है, WAPT क्या है, MAPT क्या है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. अब चैनल पे जा करके जो वीडियोस है वो आप चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने पुराने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है. ओके, तो आज ना यार मैंने एक चीज देखी कि मैंने आई थिंक एक या दो महीने पहले एक वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी फाउंड की थी, और जो वेबसाइट थी वो पेमेंट गेटवे की वेबसाइट थी, और वो वेबसाइट ने मेरी जो भी वैलिड वल्नरेबिलिटी जो मैंने उसको प्रोवाइड की थी, इनफैक्ट मैंने 8 to 10 वल्नरेबिलिटीज वहां पे फाउंड की थी, और उसमें से 2 से 3 वल्नरेबिलिटी जो थी वो वैलिड थी. इनफैक्ट उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स भी कर दिया, फिर भी मुझे कोई भी प्रकार का मेल नहीं आया. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कैम क्या हुआ बताओ कि मैंने उन लोग को बार बार मेल करने की कोशिश की है. वहां पे उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि भाई एक हफ्ते में तुमको जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा, इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर ही रिस्पॉन्स आ जाता है. ओके, और वो वेबसाइट जो है वो ओपन मनी की वेबसाइट है. अब मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ. मैंने उनको ये भी बोला कि भाई अगर आप बाउंटीज नहीं भी प्रोवाइड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई स्वैग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी प्रोवाइड नहीं हुआ. ठीक है, मैंने उनको एक दो बार और मेल करने की कोशिश की. रिसेंटली ही मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई अपडेट है या फिर नहीं है, लेकिन अभी तक के कोई भी अपडेट नहीं आया. तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है और क्या वल्नरेबिलिटी फाउंड की थी. मैं वल्नरेबिलिटी का तो आपको डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़ी सी इलीगल वे में चीज़ें चली जाती हैं. ठीक है, और तो फिलहाल मैं आपको जो बताऊंगा, मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाता हूँ. ठीक है, कि मैंने मेल पे क्या उन्हें मेल्स किए हैं, और इसके पीछे का मैं आपको एक ये भी बताऊंगा कि आपको रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करके रिपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ओके, अब देखो, अब सिंपली मैं ब्रेव को ओपन कर लेता हूँ अपना. अब देखो, अब मेरे मेल पे मैंने टोटल यहाँ पे 9 वल्नरेबिलिटीज जो है वो मैंने यहाँ पे निकाली है. इनफैक्ट ये वल्नरेबिलिटी में से मुझे 3 वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिटिकल मिली है. ठीक है, तो वो उन्होंने फिक्स भी कर दिया. इनफैक्ट ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज मिली थी वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया है. अब यहाँ पे देखो, मेरे पास जो भी मेल है मैं आपको वो दिखाता हूँ. ठीक है, जितने भी मेल्स यहाँ पे मैं आपको सारे मेल्स दिखाता हूँ. अब सबसे पहला मेल मैंने यहाँ पे किया था कि भाई टोटल जितने भी 8 POCs हैं, ठीक है, वो एक बार चेक कर लो. मैंने अपना यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ था. देन उनका फिर मैसेज आया रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की ओर से कि हम लोग तुम्हारा जो वल्नरेबिलिटी है वो रिव्यू कर रहे हैं और आपको अपडेट देते हैं. ठीक है, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, थैंक्स फॉर माई रिस्पॉन्स. और अभी ये हुआ था लाइक August 9 को. ओके, और अभी चल रहा है दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट 4 मंथ हो गए. मुझे लगा था कि 2 महीने हुए होंगे, लेकिन 4 महीनों से कोई भी रिप्लाई नहीं आया इनका. ठीक है, अब सेकंड में आपके यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैंने 13 अगस्त को फिर से इन्हें रिप्लाई किया था कि भाई अभी तक के कोई भी मुझे तुम्हारी तरफ से रिप्लाई नहीं आया है. लाइक 15 डेज हो गए, मुझे कोई भी अब तक के रिप्लाई नहीं आया है. मैंने जितने भी बग सबमिट किए हैं और कोई भी आपकी तरफ से जो रिप्लाई है वो मुझे नहीं आया है. ठीक है, फिर उन्होंने भेजा कि भाई आवर अपोलॉजीज कि हम तुम्हें एक हफ्ते में जो आपका रिपोर्ट है वो आपको हम लोग बताते हैं. ठीक है, हम लोग रिवर्ट बैक करते हैं. ओके, ये उनका मुझे मैसेज आया था. फिर मैंने यहाँ पे थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स किया. फिर मैंने और काफ़ी सारे यहाँ पे उनको मैसेजेस किए. ठीक है, यहाँ पे उनका एक लास्ट मैसेज था कि भाई एक हफ्ते का हमें टाइम दो, हम आपको अपडेट करते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी अपडेट नहीं आया. फिर इसके बाद में मैंने जितने भी इनको मेल्स किए, ठीक है, मैंने उनको ये बोला कि भाई ऑलमोस्ट 12 दिन हो चुके हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने 10 बग्स निकाल चुके. आपने बोला था कि एक वीक में हो जाएगा, लेकिन 15 डेज हो गए. चलो वो भी ठीक है. फिर मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर आप मुझे प्रॉपर चीज़ें नहीं दोगे, ठीक है, तो मैं चीज़ें डिस्क्लोज कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा. ठीक है, वो भी यहाँ पे बात हुई थी. देन और काफ़ी सारे रिप्लाई अभी मैंने लेटेस्ट में लाइक 1 डे अगो ही मैंने इन्हें अपडेट करके पूछा था, लेकिन अब तक के कोई अपडेट नहीं आया. ओके, और इसका मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ.
ओपन मनी और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, ठीक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे ये लोग दावा करते हैं कि भाई आपको जो रिप्लाई है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस सारी चीज़ें आप अगर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। 3 बिजनेस डेज, 5 बिजनेस डेज एंड टाइम टू बाउंटी इज 10 बिजनेस डेज, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन में आपको बाउंटी मिल जाएगी अगर आपका वल्नरेबिलिटी वैलिड है तो। लेकिन मैंने कम से कम 10 वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे फाइंड की थी, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, इनफैक्ट 4 मंथ हो गए, उन्होंने वो वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी, ठीक है। मैंने रीटेस्ट भी किया, मैंने उनको ये भी बोला कि भाई तुमने वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी और मुझे रिवर्ट बैक तक नहीं किया कि भाई ऐसा, एटलीस्ट उन्हें एक अप्रिशिएट तक नहीं किया कि भाई तुमने हमारे वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी ढूंढी है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो मुझे बाउंटी मिलनी चाहिए थी वो भी बाउंटी नहीं मिली है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग एज अ बग बाउंटी हंटर जब बग फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो कि यार 1 हफ्ता 1 महीना उस वेबसाइट पे मेहनत करते हो बग को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उस मेहनत का आपको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपको बेनिफिट्स नहीं होता है, ना आपको सर्टिफिकेशंस मिल रहा है, ना आपको स्वैग मिल रहे हैं। बाउंटी तो चलो दूर की बात है, मैं बाउंटी इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है, कि चलो बाउंटी ना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप हमें सर्टिफिकेट देते हो तो हमें अचीवमेंट, हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो एक अच्छा बनता है, ठीक है। कोई स्वैग नहीं है, इनफैक्ट यहाँ देखा जाए तो बाउंटी की एक्सपेक्टेशन मुझे रखना चाहिए था। क्यों रखना चाहिए था एक बार बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज फाइंड की थी, ठीक है। अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, जो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही आस में रहते हैं कि भाई हम लोग वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करेंगे, हम लोग अपना बेस्ट देंगे और फिर आगे जो वेबसाइट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें पे करेगी। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे एक इशू है कि भाई आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है वो फिक्स हो जाती है लेकिन आपको कोई पे बैक भी नहीं आता है। वो अलग बात है अगर आप ट्विटर पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, अगर कोई बड़ी कंपनीज होती है तो वो आपको पे भी करती है, अचीवमेंट भी देती है, स्वैग भी देती है, सर्टिफिकेशंस भी देती है, इनफैक्ट इससे अच्छे तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स अपनी, ठीक है। तो इसका एक्सपोज करने का मुझे इसलिए सूझा, वैसे तो मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक्सपोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो बग बाउंटी कर रहे हो, ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप बग बाउंटी करते हो तो आप बकरॉट पे करो, हैकर वन पे करो, ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे करो, ठीक है। आपको वो प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर आप रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे देखोगे तो यहां पे देखो securityas.com है, माई मिमिकास्ट है, ठीक है, विट्रू है, देन government.nl है, फ्रेश वर्क है, ऐसे कई सारे बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे है जो आपको पे भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। रेजर पे आपने सुना होगा, ये भी एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। ओपन मनी जो है ये हो सकता है अभी अभी अगर मार्केट में आया है, लेकिन क्या होता है कि एक ट्रस्ट जो बनता है ना वो टूट जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से उस वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो, तो मैं ये नहीं चाहता था कि भाई अगर आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें, ये इश्यूज फेस करनी पड़े। ओके, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई आपको ये पता चले कि क्या हो रहा है, अपना टाइम वहां बर्बाद मत करो, अपना 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो उस वेबसाइट पे टेस्टिंग करने पे लगा रहे हो, ठीक है, वो आप किसी और वेबसाइट पे लगाओ, ठीक है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई वेबसाइट को सिक्योर करना अच्छी बात है, लेकिन जो जिसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसी प्रकार से हमें ट्रीट करनी चाहिए, ठीक है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कोई बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे बग निकालते हो तो भाई आपको
अच्छी खासी बाउंटी मिलती है, अगर बाउंटी नहीं तो भाई हॉल ऑफ फेम्स मिलता है फेसबुक के ऊपर में, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। मैंने बकराउट में हैकर वन पे जो है वो मैंने बग बाउंटी की थी, ज़्यादा तो बकराउट पे कर रहा था, मेरे पास एटलीस्ट 23 से भी ज़्यादा हॉल ऑफ फेम्स है और एक बाउंटी मुझे मिली हुई है। ओके, और एक रेस्पॉन्सिबल डिसोजर पर मुझे बाउंटी मिली थी, टेक GIG करके थी, एक छोटा सा लाइक अमेजोन का वाउचर मिला था मुझे। लेकिन कैसा है कि अगर आप बग बाउंटी करते हो, वेब पेन टेस्टिंग करते हो, पेन टेस्टिंग करते हो, तो आपको यहाँ पे वे ढूंढना है, ठीक है, आपको किस पे टेस्टिंग करनी चाहिए किस पे नहीं करनी चाहिए। ओके, अब मेरे साथ तो ये इश्यू हुआ, अब मुझे नहीं पता कि बाकी बग हंटर के साथ ये इश्यूज होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई आप किस प्रकार से आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है, कहाँ पे आपको टेस्ट करना है, कैसे आपको चीज़ें चेक करनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।